हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं हूं अंकिता और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बच्चों के लिए एक पेपर मैजिक गेम जो बच्चों को काफी पसंद आएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगी इस गेम को खेलते कैसे हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी इस गेम को पेपर से आप कैसे बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पेज पे कुछ फ्लावर्स नेम लिख दिया है। इसकी जगह पे आप उनके डेज नेम लिख सकती हैं, उनके फ्रेंड्स के नाम लिख सकती हैं, या फिर फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, जो भी रैंडम जो भी आप नेम लिखना चाहती हैं यहाँ पे लिख सकती हैं। इसके बाद बच्चे को आप कहेंगे जो यहाँ पे लिखा हो उनमें से कोई एक नेम वो मन में सोचे, जैसे रोज, लिली, लोटस, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और ट्यूलिप, इनमें से कुछ भी एक नेम वो अपने मन में सोचे। मान लीजिए बच्चे ने लोटस सोचा लेकिन वो आपको बताएगा नहीं, अब उसे केवल यस या नो में जवाब देना है। तो आप पूछेंगे क्या जो भी उसने सोचा है वह इस पेज पर है, तो वो बस बोलेगा यस। इस तरीके से इसमें पूछेंगे क्या वो जिसने सोचा है वो इस पेज पर है, वो बोलेगा नो, इस पेज पर है, नो, इस पेज पर नो, और इस पेज पर यस। तो आप उसे तुरंत बता पाएंगी कि उसने क्या सोचा है। आपको बिल्कुल उसे पूछने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या सोचा है, आप इसमें नेम्स और बढ़ा सकती हैं जितनी मर्जी। तो चलिए इस तरीके से यह एक मैजिक की तरह हुआ कि उसने आपको नहीं बताया कि उसने क्या सोचा है, बस यस नो में आंसर दिया और आपने तुरंत गेस कर लिया है कि उसने क्या सोचा है। तो अब चलिए बात करते हैं इस गेम को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम इस तरीके से एक पेपर लेंगे और इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया और इसको फोर डिफरेंट बराबर इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। इसके लिए मैंने यहां से पहले हाफ फोल्ड किया और उसके बाद इस तरीके से हम इस पेज को आप देख सकते हैं कैसे फोल्ड किया है मैंने। सबसे पहले इस तरीके से, फिर इस एक डब्ल्यू शेप बनता हुआ आप देख सकते हैं। इस तरीके से इस पेपर को आप फोल्ड करेंगी। अब इस फर्स्ट पेज पर आप कुछ नेम्स लिखेंगे, जैसे मैंने कुछ कलर्स नेम मैं लिख दूंगी यहाँ पे, मैंने कुछ कलर्स नेम इस पेज पे लिख दिया। अब इस पेज पे मैं इन कलर्स में से कुछ कलर जैसे रेड, पिंक, येलो, कुछ भी, कोई भी थ्री नेम्स लिख दूंगी, जैसे रेड या फिर ब्लैक लिख सकती हूँ, ब्लैक, पिंक, टू, थ्री, फोर, कितने भी नेम इस पेज पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ और अलग जैसे ब्लैक यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ग्रीन, येलो, इस तरीके से इस पेज पर भी हम कुछ नेम्स लिख देंगे, इनमें से ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, फिर यहाँ पे रेड, रिपीट भी करेंगे नेम्स को, येलो और पिंक, इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं येलो, रेड, रेड, पिंक। अब हम पीछे के साइड में हमने कितने नेम्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स नेम्स लिखे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सिक्स पे यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, हम जितने नेम लिखे रहेंगे, अगर 10 नेम लिखे रहेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे छोटा छोटा 10 इस तरीके से बना लेंगे। और अब हम इस पेज को ऐसे खोलेंगे और इस चीज को हम ब्लेड की सहायता से इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरीके से हमने कट कर दिया है तो इस पेज पर ये ब्लैंक रहेगा। अब हम इस पेज को नंबरिंग कर देंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 लिख देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस पेज को नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4। अब हम रेड से शुरू करते हैं, जैसे रेड तो यहाँ पर है 1, यहाँ पे नहीं है 1 1 1, यहाँ पे है 4, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 5 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और इसके नीचे लिख देंगे रेड।
टेन और यहां लिख देंगे रेड. इस तरीके से ग्रीन, ग्रीन के लिए टू, थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव फाइव है ग्रीन के लिए. यहां हमने लिखा फाइव और हम इसके नीचे लिख देंगे ग्रीन. इस तरीके से ब्लू, ब्लू के लिए इन दोनों में नहीं है, यहां पे है थ्री, केवल एक पेज पे है, थ्री पेज पे. तो थ्री ब्लू. इस तरीके से हम सारे कलर्स को, पिंक के लिए हम लिख देंगे वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन, और टेन ऑलरेडी रेड का है तो एक हम और कहीं बढ़ा देते हैं, यहां पर भी एक पिंक लिख देते हैं. तो यह हो गया ट्वेल्व, पिंक के लिए हो गया ट्वेल्व. इस तरीके से येलो, येलो हो गया टू फोर सिक्स, सिक्स फाइव अलेवन, अलेवन येलो. और ब्लैक वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स सिक्स किसी का नहीं है तो सिक्स ब्लैक. फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा गेम तैयार हो चुका है. अब हम आराम से इसमें से बोल सकते हैं बच्चे को कोई भी कलर नेम चूज करने के लिए. आप इसी तरीके से एनिमल्स नेम कुछ भी बना सकती हैं. और आपने बच्चे ने जैसे ही पिंक चूज किया तो आपको बताएगा इसमें कि नहीं इसमें पिंक है, यस. तो मन में बस वो सोचेगा, जैसे इसने सोचा ब्लू तो वो बोलेगा नो नो यस. तो आप तुरंत यहाँ पे ये नंबर नोट कर लेंगे मन में, थ्री और नो नो. तो आप जल्दी से यहाँ पे थ्री नंबर्स को ऐसे ओपन कर देंगे और बता देंगे तो उसने ब्लू सोचा था. इस तरीके से यह एक मैजिक गेम हुआ. होप इस गेम को आपको बहुत ही बच्चा एंजॉय करेगा. तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.